दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति शर्मा, कुक विद श्रुति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हांडी दम पनीर काली मिर्च बनाना बताऊंगी। आइए हम जानते हैं इसकी सामग्री। ये मैंने 250 ग्राम पनीर ली है, जिसे मैंने ये चौकोर पीस में काट लिया है। ये मेरा ऑनियन ब्राउन पेस्ट है, जिसे मैंने दो प्याज मैंने लिया था बड़े साइज का, उसे मैंने छील के लंबा लंबा काट के मैंने फ्राई कर लिया। और फ्राई करके फिर मैंने उसे नैपकिन पे निकाल के ठंडा करके मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसे पीस लिया। ये ताज़ा दही है एक छोटी कटोरी, ये आधा कटोरी क्रीम है, ये आटा है नॉर्मल जो हम लोग रोटी के लिए चपाती के लिए गूंथते हैं वो आटा है। मैं इसे दम करूँगी चारों तरफ उस पर लगा के हांडी पे। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, पुदीना पत्ती जिसे मैंने मोटे में काट लिया है, धनिया पत्ती इसे भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है, खड़े मसाले हैं आधा चम्मच जीरा है, चार हरी इलायची है, चार लौंग है, दो टुकड़ा दालचीनी और दो तेजपत्ता, देसी घी, मैं देसी घी में बनाऊंगी, और ये जीरा पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, ये कसूरी मेथी है, और ये गरम मसाला है, सादा नमक, और ये कुटी हुई दरदरी काली मिर्च। ये सब मैंने एक एक चम्मच लिया है, और मैंने जीरा पाउडर आधी चम्मच लिया है, और कसूरी मेथी भी मैंने आधी चम्मच ली है, और मैं काली मिर्च जो मैंने दरदरी कुटी है वो मैं एक चम्मच डालूँगी। तो आइए हम बनाते हैं हांडी दम पनीर काली मिर्च। सबसे पहले मैं गैस ऑन करूंगी। मैं मिट्टी के बर्तन में बनाऊंगी क्योंकि इससे इसका टेस्ट एक अलग ही आएगा। आप चाहे तो अपना नॉनस्टिक में भी बना सकते हैं। मैंने हांडी चढ़ा दी है, मैं इसमें 3 चम्मच घी डालूंगी और मैं घी गर्म होने देती हूँ। देखिए हमारा घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें जो मैंने खड़े मसाले लिए थे मैं सब डाल देती हूँ। देखिए हमारे मसाले इसमें वो हो गए हैं, भून गए। अब मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ और मैं इसे हल्का भून के फिर जो मैंने इसमें जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था फ्राई करके अब मैं वो डाल देती हूँ। मैं इसे 1 मिनट भून लेती हूँ। ये देखिए 1 मिनट हो गया है क्योंकि प्याज हमारा अच्छे से लहसुन और अदरक में मिल चुका है, क्योंकि प्याज ऑलरेडी मैंने फ्राई किया था तो उसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत है भी नहीं, ये मिल चुका है। मैं इसमें मसाले डालती हूँ। कसूरी मेथी है वो भी मैं साथ ही में डाल देती हूँ। मैं इसे अच्छे से मिला देती हूँ। अब मैं इसमें जो मैंने ताज़ा दही रखा था मैं वो डाल देती हूँ। ये सब्जी झटपट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और मैं इसे मिला देती हूँ। ये देखिए मैंने इसे मिला दिया, मैं इसे लगातार चला रही थी, दही मैंने डाला था ये कहीं फट ना जाए। अब इसमें उबाल आ गया है, अब मैंने इसमें इसे छोड़ दिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच जो मैंने काली मिर्च कूटी थी मैं वो डाल दूंगी। क्योंकि इसका नाम है हांडी दम पनीर काली मिर्च, तो इसमें काली मिर्च इसीलिए मैंने ज़्यादा डाली है। अब मैं इसमें पुदीना पत्ती, धनिया पत्ती डाल के मिला देती हूँ। फिर जो मैंने ये पनीर काटा था मैं वो डाल देती हूँ। मैं इसे मिला देती हूँ। फिर मैं इसमें ये जो मैंने आधा कटोरी क्रीम रखी थी ये डाल के मैं मिला दूँगी अच्छे से। ये देखिए मैंने क्रीम भी डाल दी थी, इसमें भी अब उबाल आ गया है,
अब मैं ये एक छोटा गिलास इसमें पानी डाल देती हूँ और मैं इसे अच्छे से मिला देती हूँ। और फिर मैं इसे दम करूँगी, मैं आँच एकदम स्लो कर दूँगी और मैं इसे ढक देती हूँ, क्योंकि दम हम जब करते हैं तो स्टीम बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो मैं इसे एकदम आटे से कवर कर दूँगी। ये देखिए, जो मैंने आटा दिखाया था, नॉर्मल आटा मैंने गूंथ के रखा था, उसे मैंने रोल करके लंबा कर लिया है। अब मैं चारों तरफ इसे लगा देती हूँ जिससे इसकी स्टीम बाहर ना निकले। मैं इसे अच्छे से दबा दूँगी, ये देखिए, और मैं इसे धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट दम करूँगी, जिसे इसमें इसका फ्लेवर प्याज का, क्रीम का, दही का, पनीर का सब एक दूसरे में समा जाए। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से कवर कर दिया है, ये कहीं से भी स्टीम बाहर नहीं निकलेगी। और मैं इसे धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट दम होने देती हूँ। ये देखिए, 15 मिनट हो चुका है, अब हमारे इसमें दम हो चुका है पनीर। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और अब मैं इसे नीचे उतार के इसका मैं ढक्कन हटा के सब्जी चेक कर लेती हूँ। अब मैं इसे, ये गरम है, मैं धीरे धीरे इसे चाकू की सहायता से, जो मैंने आटा इसके ऊपर लगाया था, मैं हटा देती हूँ। ये देखिए, एकदम ये सूख चुका है, ये अपने आप उतर जाएगा। ये देखिए ऐसे, ये हट गया। अब मैं इसका ढक्कन हटाती हूँ। बहुत ही गजब की महक आ रही है सब मसालों की, क्योंकि दम सब्जी की बात ही अलग होती है। उसका जो फ्लेवर होता है, उसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। अब मैं इसे प्लेटिंग में डाल के सर्व करूँगी। ये देखिए, मैंने इसे बाउल में डाल दिया है। ये गर्मा गर्म हमारा हांडी पनीर दम काली मिर्च एकदम रेडी है खाने के लिए। तो आप भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।